उधम सिंह नगर जिले की सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व दुकान बंद कर रहे दुकानदार से बाइक पर सवार तीन बदमाश उनके रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए थे। जब पीड़ित ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने उन पर तमंचे से फायर भी किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी थी। आज पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने नानकमत्ता से तीन शातिर बदमाशों को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी का रुपयों से भरा बैग, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक तमंचा व चाकू बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने लूट की वारदात को करना स्वीकारा है। 13/9/18 का मामला है। घटना रात को 9 बजे खरीद हुई थी। राकेश कुमार बिहोरी में अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, तो उस समय इन्होंने जब बैग अपना काउंटर पे रखा और ये लॉक लगाने लगे तो एक मोटरसाइकिल पे तीन लोग आए और मोटरसाइकिल खड़ी करके एक व्यक्ति तथा दो व्यक्ति इनके दुकान से जो काउंटर में बैग था उठा के भाग गए। और जब इन्होंने पीछा किया तो इन्होंने बाद में फायर भी किया, जिसमें नानकमत्ता के तीन व्यक्ति देविंदर पुत्र अजीत सिंह, बलजिंदर जागीर पुत्र जागीर सिंह और निशान सिंह को इन्होंने गिरफ्तार किया। इनके साथ से मोटरसाइकिल जो थी वो बरामद कर ली, 13,000 रुपये बरामद कर लिए, एक तमंचा, 315 बोर तथा एक चाकू बरामद किया। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।